अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तू अने मेघना, सास बहु कम ने दोस्त ज्यादा दिखते हो। तेरी माँ होती ने तो बहुत खुश होती। कद्दू वो आ रही, खिमी वापस आ रही एकादशी के दिन। मैंने अभी भी खिमी से बात की। ये क्या बेवकूफी थी हितेन भाई, डैड के सामने क्या बोल गए तुम? अब चलो देखते हैं डैड का है। सामड़ो सामड़ो हमारी बात। हाँ बोलना डीएम, क्या बात है? समाचार है शुभ, हम सब यहाँ आए ने तेरे जन्मदिन का प्रसंग मनाने। हवे सबको धर्मपुर आना पड़ेगा, हमारे घर त्यां पण प्रसंग छे। उत्सव पर ना तो बहाने बताया ना संतों ने, बात क्या है डीएम? अरे मुझे भी नहीं खबर थी, अत्यारे खबर पड़ी। ये इतने की खेमी से बात हुई कि चार दिन बाद वो एकादशी के दिन आ रही है। तुमने इनकी मंगनी करा के अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि ये बात आप कहें। कल तक जो मासी और भांजी के रिश्ते के विरुद्ध थे, आज वो खुद कह रहे कि मेरा लगन करेंगे। ये दिख रहा, आम खाने पेड़ क्यों गिनता है? चल तेरा हंसी लाने मोड़े पे, तेरा काम हो गया ना? बस खुश रहे। बस मेरी आपसे एक ही विनती है, स्वीकार कर लीजिए। तारा ने मारा छुट्टा छेड़ा ना कागड़िया तैयार छे, तो अंगूठो करी दे छे। चलो चलो निकलवाने तैयारी करिए, हमें तुरंत धर्मपुर के लिए निकलना है। बेटा कांजी आया था क्या? हाँ वो अभी अभी कहीं गए, कह रहे थे कि एक घंटे में वापस आ जाएंगे। अरे संतु तू? नाना जी सब कुछ ठीक हो गया, खेमी बहन वापस आ रही है। क्या खेमी बहन आ रही है? हाँ मुंगी। और नाना जी मालिक ने खेमी बहन की सगाई तय कर दी तेन भाई के साथ। हाँ माधो काका, इटला माटे मैं पोते आया हूँ आपको आमंत्रित करने। आपकी दोहित्री खिमी का लगन मैं अपने बेटे हितेन के साथ करवा रहा हूँ। अने आपके मन में जो दुविधा थी ना कि आपकी दोहित्री मेरे बेटे की मासी है, उसके बारे में आप चिंता मत करना। तुम्हें बस प्रसंग ना दिए वैसे सांझे आ भी जाओ, अने चलो जय श्री कृष्ण। तो बेटा क्या खेमी को पता है कि उसकी सगाई हो रही है? हाँ नाना जी। जिस बात के कारण खेमी हमें छोड़कर चली गई थी, वो जानते हुए भी वो हितेन से शादी करने आ रही है, अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने आ रही है। ये कैसा निर्णय लिया है तुमने धर्मराज? तरु ने कौमिल भाई की बेटी तोरल के साथ हितेन का लग्न तय किया है, और यहाँ पर तुम खेमी के साथ हितेन का लग्न तय कर रहे हो, और ये जानते हुए भी कि खेमी उसकी मासी है। नाना जी बोल रहे ना, मैंने बात करो, मैंने खबर से बापूजी, मैं भी इस रिश्ते के विरुद्ध था, पर फिर क्या हुआ पापा? अब ये फैसला क्यों? अरे हम सौमिल भाई को क्या मुंह दिखाएंगे? तुझे अपना मुंह दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
मैं हूं ने, हूं बात करी लेश सुमिल भाई जोड़े। हितेन और खेमी का लगन कराने का निर्णय लिया मैं, अब ये निर्णय बदल नहीं सकता। माना तू बाप की तरह सोच रहा है, वो धर्मपुर के लोगों का क्या, उनकी भावनाओं का क्या और उस न्याय का क्या जो धर्मराज के नाम से जुड़ा हुआ है? संबंधों की एक मर्यादा होती है धर्मराज, रीत रिवाज और समाज जैसी भी कोई चीज है। मैं इस रिश्ते से जरा भी सहमत नहीं हूं। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका यह निर्णय धर्मपुर में एक समस्या खड़ी कर देगा। भले ही धर्मपुर गांव उसने बताया हो, धर्मपुर का मालिक हो, पर गांव वालों की एक अपनी मान्यता होती है, सर झुका के हर हुक्म सहने वाले ये अधर्म सहन नहीं कर पाएंगे। हितेन, खेमी तुम्हारी मासी लगती है। यह आपकी सोच है नाना जी, पर मैं लगन करूंगा तो सिर्फ खेमी से। मैंने सोच लिया। क्या हो गया धर्मराज को, अचानक परंपरा उसकी नजर में छोटी कैसे हो गई? बाप, संतु तुझे बुरा लगे तो माफ कर देना, मुझे स्वीकार नहीं है बेटा। मासी और भांजे का लग मैं स्वीकार कर भी लू, पर हिते न धर्मराज की बदनामी का क्या? बेटा तू धर्मराज और खेली को समझा, मासी और भांजे का लग्न नहीं हो सकता बेटा। बाप, ना ही मालिक कोई गलती कर रहा है और ना ही ये लगन पाप है। तू क्या कह रही हो, तुझे पता है उनका रिश्ता क्या है? बाप, ये रिश्ता नहीं हो सकता था, पर अब ये रिश्ता हो सकता है। मतलब वो हितेन की मौसी लगती है? अब नहीं रहेगी। कहना क्या चाहती हो? बाप, हितेन भाई का रिश्ता है खेमी पहना से इसलिए कि मैं हितेन भाई की माँ लगती हूँ। अगर मैं हितेन भाई की माँ ही ना रहूँ तो फिर ये रिश्ता हो सकता है? तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ क्यों नहीं बताती? मालिक और मैंने एक दूसरे को छुट्टा चेहरा देने का निर्णय कर लिया है। क्या? हमने ये निर्णय इसलिए लिया ताकि हितेन और खेमी बहना का लगन हो जाए, दोनों अपना घर बसा लें, इस घर में खुशी और शांति आ जाए। एक बार छुट्टा छेड़ा हो जाए तो फिर खेमी बहना हितेन भाई की मासी नहीं लगेगी। मालिक को कोई गलत नहीं कहेगा, उन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, धर्मपुर के मालिक का मान भी नीचा नहीं होगा। बा सुनी, आज मुझे आभास हुआ है कि अपने संतान के मुख पर खुशी देखने का आनंद क्या होता है। मैं जो तेरे हितेन के लिए कर रहा हूं ना, वो बिल्कुल गलत धर्मराज। मेरे मन में तेरे लिए बहुत आदर है बेटा, कि सुभद्रा न होते हुए तूने उसको जिंदा रखी है, और मैं नहीं चाहती कि ये आदर में कुछ कमी हो जाए। संतु को मैंने मेरी बेटी मानी है, और उसको तलाक देना
और उसका अपमान करना और मुझे भी दुख पहुंचाना वो निर्णय तुम नहीं ले सकते, उसकी सम्मति हो तो भी। जो बात, मेरी बात खत्म नहीं हुई धर्मराज। क्या सुख मिला मेरी बेटी को इधर, क्या मान मिला? औरों की तो छोड़, तेरी बात कर। उसका दर्जा और अधिकार दिया जो एक पति अपनी पत्नी को देता है, बंदी बनाकर रख दिया है उसको और आजाद कर दिया तो पूरे रिश्ते से। तू संतु को छूटा छेड़ा नहीं दे सकता, ये निर्णय तू नहीं ले सकता। क्यों किया तूने ऐसा? मेरी संतान के लिए लिया बा। नितिन, कादंबरी, मौलिक, बिरवा, सूरज, उनके लिए निर्णय लिया। नितिन बरोबर बोलता है, जरे बाप जो ये तो सामे धर्मपुर का मालिक खड़ा होता है। मुझे भी लगा कि कदाच मैं इन्हें ऐसा कुछ कभी किया नहीं जिसके कारण मेरी संतान मुझे गले लगा रहे अने मुझ पर गर्व करे। इतला माटे हवे करूँ छू ये जो मारी बात सांभळ। छोकरी के साथ मेरा संबंध था तारी बात बरोबर छे, पण साथ तो कभी जुड़ा नहीं ने। उसका ने मेरा लगन एक समझौता था बस। अने हितेन उसकी बेन से खरेखर प्रेम करता है तो सच्चे प्रेम के लिए समझौता तोड़ देवे तो एमां शू खोटू छे बा। ये वो छोकरी भी यही चाहती है। ये जो ने आटला वर्ष पछी मने आभास थयो छे, मौको मळ्यो छे कि मैं एक बाप एक पिता बन सकूं। तू मुझे अपना बेटा बोलती है ना, तो बस अबे आशीर्वाद दे कि मैं अपनी संतान के लिए अच्छा बाप बन सकूं। बस पा, तुझे तो हितेन की नजरों में मान मिल जाएगा। हितेन को प्यार, संतु को उसकी बहन की खुशी मिल जाएगी, और मुझे मेरी बेटी खोनी पड़ेगी। अरे केवी बात करे छे बा, एक बेटी खोके दूसरी बेटी मिल रही है ना तुझे खेमी। पर तेरा क्या होगा धर्मराज? मारू सूच है बा, तू ने बापूजी ने बदा छोकराओ ने घर ने कारखाना सब मेरा ही है ना। और संतु वो तो इस करके सब संबंध तोड़ के चली जाएगी ना। सारू छे ना, मुझसे छुट्टा छेड़ा लेगी तो उसकी उम्र के किसी छोकरे के साथ उसका लगन होगा, बरोबर कि नहीं? और तू खुश रह पाएगा बेटा? हास तो बची, घर में सब खुश होए तो घर का मालिक तो खुश होए कि नहीं? ने पची सुभद्रा है ने मेरे साथ, आज तक उसके साथ जीवन जिया ना, आगे के चार दिन भी जी लूंगा उसी के साथ। ये वो छोकरी माटे पण सारू छे, मेरे से छुट्टा छेड़ा लेगी खुश रहेगी। बार मेरी बेटी को तो छीन रहा है पर उसके अहम को चोट मत लगाना। तूने हर एक के साथ न्याय किया है तो मेरी संतु के साथ भी न्याय करना, और संतों की सजा यही है ना, वो खेमे की बहन है। और मेरा क्या, मेरी बेटी तो तूने छीन ली ना, छीन ली ना तूने मेरी बेटी को। अरे शू करे छा तू, हमारा रड़वानू शू छे? आ अय्या, अरे आवने कहते थे मैं बहुत परेशान करती हूँ, अब बोलो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? थैंक्स कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है तोरण,
अच्छा ये बताओ कि खेमी कैसे मिली तुम्हें, कहाँ ढूंढा तुमने? अरे यार ढूंढा उंडा कुछ नहीं, वो कहते हैं ना जिसे ढूंढते हैं उसे खो देते हैं, अगर ढूंढने निकलती तो तुम मिलते क्या? अरे यार फिर से सीरियस हो गए तुम, मजाक कर रही हूँ। देखो हुआ यूं कि छोटा सा एक गांव है बरोड़ा के आसपास, क्या नाम है उसका, हाँ जामलीपुर, वहीं पर मिली वो। अब देखो क्या हुआ कैसे मिली वो सब बाद में, फिलहाल तो मैं एक चीज देखने आई हूँ और वो है तुम्हारे चेहरे की खुशी जो साफ दिखाई दे रही है। अरे ये क्या ही तेन, फिर से वही सड़ी हुई शक्ल बना दी, कम ऑन यार हसो स्माइल, खेमी इज बैक। तुरल जब खुशी इतनी बढ़ जाए कि मन में ना समाए तो आंखों से आंसू बाहर आ ही जाते। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया तुमने, कभी नहीं भूलूंगा तुम्हें। अच्छा मिस्टर तुम भूल जाओगे और मैं तुम्हें भूलने दूंगी? माना कि तुम्हारी शादी खेमी के साथ हो रही है लेकिन कभी कभी मेरे साथ शॉपिंग पर जरूर आना है तुम्हें, आओगे ना ढेर सारा सामान पकड़ने? आऊंगा। तुम जानती हो दोरल तुम्हारे जैसा एक ही पीस है, तुम सबसे अलग। पता है पर एक बात पूछूं, खेमी के आने से इस अलग दोस्त को भूल तो नहीं जाओगे ना, दोस्ती निभाओगे ना हितेन? हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। हाँ पर एक और वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारे और पेशी की शादी मैं और खेमी मिलकर करवाएंगे। प्रॉमिस। थैंक्स। आओ। मालिक चाय। ये दागीना तेरे बेन के लिए है, उसकी लगन के लिए, देख ले जरा ठीक छे ना? वर्षों से ये दागीने जमा कर रहा हूं अपनी बहुओं के लिए। बहुत अच्छे खेमी बहना एकादशी के दिन वापस आ रहे हैं। हाँ खबर से मैंने, समय बहुत कम बचा है और प्रबंध बहुत सारा करना है, तुझे तेरे घर पे भी प्रबंध करना होगा ना? जी मैं ज्यादा समय यहीं बिताकर काम करना चाहती हूँ, छुट्टा छेड़ा के बाद तो सारे संबंध टूट ही जाने वाले। जाने से पहले मैं अपने बेटे का लगन करवाना चाहती हूँ। तेरी बहन को अगर इस घर में आना है तो तुझे तो जाना पड़ेगा ना? कागड़िया भी तैयार है, मोटी बहन के पास पड़े हैं, पर जब तक खेमी आ नहीं जाती तो बाहर किसी को इस बारे में बताना मत। बाप बापू जी को खबर है, दुखी है पर मैं संभाल लूंगा, समझी गई ना? पर मालिक खेमी बहन और रितिन भाई की सगाई के दिन अगर लोग सवाल करेंगे तो? तू चिंता मत कर, मैं हूं संभाल लूंगा, चल जा रहे। अरे यार सांभर, रुपये की चिंता मत करना, जितना चाहिए उतना ले लेना। बहुत नसीबदार है मेरी खेमी बहन जो उन्हें आपको और मालकिन का आशीर्वाद मिल रहा है, और असा मंत्री भी। कुछ लोग के नसीब में अकेले जीना लिखा है मालिक, और उन्हीं लोगों में से शायद मैं और आप हैं। अब मालकिन की याद में जीवन बिता लेंगे और मैं आपकी।
पर फिर भी मैं खुश रहूंगी, क्योंकि ये जीवन तो आपसे ही जुड़ा रहेगा, आंसुओं के सहारे ही से। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।